ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पूरे देश में आज अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माने जाने वाले विजयदशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। बता दें कि इस रावण को बनाने में 15 दिन से ज्यादा का समय लगा है और इसके लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश से कारीगर बुलाए गए थे। तो आइए देखते हैं मौके से एनडीटीवी की रिपोर्ट। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से शक्ति की प्रतीक के रूप में जो दुर्गा पूजा की जाती है, नवरात्र का त्यौहार वो समाप्त हो चुका है और आज है दशहरे का पर्व, यानी वो दिन जिस दिन बुराई का अंत होता है। मैं आज आगरमालवा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दशहरा मैदान में 51 फीट ऊंचा रावण यहाँ पर बनाया गया है दहन के लिए, जिसमें 10 मुंह आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सके अगर इसके हाथ में तलवार भी दी गई है और जब ये शाम को जब इसका दहन होगा, इसके पहले ये तलवार हिलती हुई नजर आएगी। और एक तरफ आप देख रहे होंगे जो ढाल है बनी है, तीर उसमें लगा है, यानी कि वो उसके ऊपर जो प्रहार होंगे उसको बचाव का ये प्रतीक दिखाई दे रहा है। और ये जो 51 फीट का जो रावण है, यहाँ पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं नगर पालिका परिषद के द्वारा की जा सकती है। मैं अभी जो मौजूद हूँ, यह दशहरा मैदान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्टेडियम ग्राउंड, लगभग 25,000 लोग यहाँ पर इस मैदान के अंदर और बाहर के जो हिस्से वो लोग यहाँ जमा होंगे और जो बुराई का प्रतीक रावण जब यहाँ जलेगा उन सबके उस चीज के साक्षी बनेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे नगर पालिका के अध्यक्ष नीलेश पटेल, काफी युवा सोच के और प्रगतिशील माने जाते हैं। नीलेश जी, आप बताइए किस तरह का प्रबंधन है और क्या क्या होने वाला है? मैं सबसे पहले तो हमारे आगर नगर की जनता को विजयादशमी के इस पावन पर्व पर अन्याय पर न्याय एवं अहंकार पर विनम्रता के इस विजय पर्व पर, विजयादशमी के पर्व पर मैं आगर नगर की 50,000 जनता को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे नगर पालिका की ओर से 51 फीट का रावण का ये पुतला बनाया गया है और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है, डीजे लगेगा, साउंड सिस्टम लगेगा, रास्ते सब बनाए गए हैं और बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फटाखों की व्यवस्था की गई, बढ़िया रंगारंग आतिशबाजी होगी। बिल्कुल, शाम को जब रावण दहन होगा उसके पश्चात पूर्व यहाँ पर रंगारंग आतिशबाजी की जाएगी। और यहाँ नगर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सब अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों और ये पुतला दहन का कार्यक्रम देखें। बताइए कि ये जो इलाका है, सामने वाला जो गेट दिख रहा है, इधर राम बारात जो होते हैं पारंपरिक रूप से आती है, राम बारात आने के बाद क्या होता है यहाँ पे, क्या परंपरा है सामान्य? राम बारात आई मालीपुरा के हमारे वसूली पटेल है, वो परंपरागत अनादिकाल से उनकी वहाँ से राम बारात यहाँ आती है और राम बारात यहाँ आने के बाद यहाँ बजरंग बली परिक्रमा करते हैं और यहाँ राम भगवान के द्वारा यहाँ पे तीर कमान के माध्यम से इस रावण दहन का पुतले का दहन किया जाएगा। 51 फीट का रावण जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, हमारे दर्शक अगर देख सके तो काफी लंबा है, लेकिन आसपास इलाके में इतना बड़ा पुतला कहीं नहीं है। किस तरह से इसको बनवाया गया, कहाँ से कारीगर बुलाए गए थे, कितना वक्त लगा इसको? इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि आज से 2006-07 में मेरी माताजी जब नगर पालिका अध्यक्ष थी, या जब रावण दहन का कार्यक्रम एक चंदे के माध्यम से किया जाता था, हमने नगर पालिका परिषद के माध्यम से उस वक्त एक ठहराव प्रस्ताव पास किया और इस नगर पालिका के माध्यम से इस कार्य को संपन्न कराने का प्रस्ताव पास किया और 51 फीट का रावण यहाँ पे आगरा के कलाकार यूपी से आए हैं बनाने वाले, उनके द्वारा इस पुतले को बनाया गया है।